मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया था टोकू से रेडमी नोट 6 प्रो, जो कि स्नैपड्रैगन 636 के साथ आता है, और ये टोकू से मैंने परचेस किया था। तो ये डिफरेंट बेस्ड फ़ोन है, तो मैंने ये लाइक न्यू क्वालिटी में परचेस किया था। तो ये मुझे पड़ा था 8,800 रुपये का, और फ़ोन काफ़ी अच्छा है यार। मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर लिया है, बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियो आपको इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा लास्ट में। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा था, और ये 8,800 रुपये का मुझे मिला था, और यहाँ पर बिल्कुल न्यू जैसी फील आई थी मेरे को। सब सारी एसेसरी न्यू मिली थी, न्यू तो नहीं मतलब सेकेंड थी, ओरिजिनल थी एसेसरी, सारी एसेसरी, और बॉक्स भी यहाँ पर ओरिजिनली था साउमी का, और फ़ोन वगैरह आगे पीछे सब कुछ ठीक ठाक था, कोई डेंट वगैरह कुछ नहीं है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है इसका। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो आप ही सोच रहे होंगे इतने फ़ोन क्यों, और इतने पुराने फ़ोन क्यों रिव्यू कर रहा है, बट यहाँ पर एक प्रो साथ दिक्कत ही यही, कुछ लोग मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि इतना महंगे फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कुछ पुराने फ़ोन जो अच्छी गेमिंग करा दें और कैमरा इनका ठीक ठाक हो, प्रोसेसर अच्छा हो, बैटरी अच्छी हो, तो उनका रिव्यू मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ ऐसे कुछ। और इसके बाद एक और नोट 6 प्रो का ही रिव्यू आएगा, अनबॉक्सिंग और शायद रिव्यू भी आ सकता है। तो वो दरअसल गुड क्वालिटी में होगा, जो कि लगभग 7,800 रुपये का या 900 रुपये का मेरे को मिले पड़ा है वो। तो उसकी भी इसके बाद मैं अनबॉक्सिंग डालूंगा। तो जो लोग बजट में टाइट हैं, इनको 10,000-15,000 का बजट नहीं कर सकते, तो वो लोग ये फ़ोन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी गेमिंग वगैरह भी इससे कर सकते हैं, और कैमरे तो इनके काफ़ी अच्छा होते हैं। तो अब देखिए आप अनबॉक्सिंग। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स पैकिंग मिली थी मुझे, ये टूबोट की यहाँ पर ब्रांडिंग है, ऊपर की तरफ उसका रेट लिखा हुआ 8,800 कुछ रुपये, 897-98 ऐसी था। तो मैं इसकी सील ब्रेक करता हूँ, यहाँ से दोनों तरफ यहाँ पर सील लगी हुई है, बॉक्स पैकिंग ठीक ठाक है ऊपर की, तो अंदर भी काफ़ी अच्छी बॉक्स पैकिंग होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक और बॉक्स है, ये इसका बिल है यहाँ पर, तो बिल मैं आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो पॉज करके आप देख लेना कितने रुपए का है। चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ अंदर और टूर की ब्रांडिंग है, और जो है साथ में ये बॉक्स हमें शाओमी का ही ओरिजिनल बॉक्स मिला था, क्योंकि ये लाइक न्यू क्वालिटी में था, वरना अदर क्वालिटी में होता तो यहाँ पर हमें बॉक्स टूर की तरफ से कोई अदर बॉक्स मिलता। तो ये एक अच्छी बात है, मेरे पास यार खोलने के लिए कोई कटर वगैरह नहीं था, तो मैंने बाइक की का यूज़ कर लिया। तो पैकिंग तो ये लोग ठीक ठाक करते हैं, वैसे काफ़ी अच्छी पैकिंग हो रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ बॉक्स पर प्राइस वगैरह मेंशन है, और लिखा हुआ है इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड, शाओमी की ब्रांडिंग है, और 4GB 64GB वाला वेरियंट है ये। तो यहाँ पर नीचे भी टू गोट की सील लगी हुई है चार सब जगह यार, तो इसको भी जल्दी से हटाते हैं। तो सील ब्रेक कर दी हमने, और हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ़ोन अभी निकलने वाला है यहाँ से। तो बॉक्स को ओपन कर लिया है, तो यहाँ सबसे ऊपर हमें मिल जाता है फ़ोन रखा हुआ, ये ब्लू कलर का फ़ोन था, काफ़ी अच्छी शाइनिंग लग रही थी इसकी, कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसको। और अंदर यहाँ पर हमें ये, इसमें कुछ नहीं है, खाली है ये, सिम ट्रे इजेक्टिंग टूल भी इसके नीचे शायद होगा कहीं, यहाँ पर नहीं है। टू गुट के वारंटी कार्ड है कुछ, और इसके अलावा यहाँ कोई और मैनुअल वगैरह नहीं है। तो बस इसके नीचे हमें मिलता है एक 2 एम्पीयर का चार्जर, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर, जो कि शाओमी का ही है ओरिजिनल, और साथ में यहाँ पर एक टाइप माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है, डाटा केबल। और यहाँ पर मैं नीचे देखता हूँ और बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। तो डाटा केबल यहाँ पर जो है ये शाओमी का नहीं था, कोई अदर डाटा केबल था। नीचे सिम रैकिंग टूल यहाँ पर है, तो ये सबसे नीचे रखा है। चलिए इसको रख देते हैं अब, और हम देखते हैं फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं, फ़ोन में हमारा फ़ोन ऑन होता है नहीं, या फिर डाउन तो नहीं है, क्योंकि तो एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि फ़ोन डेड आ गया था, पूरा ही डेड था वो, ना चार्ज हुआ ना ही ऑन हुआ। तो फ़ोन यार ठीक ठाक लग रहा है, यहाँ पर कोई भी स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है यार, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आगे पीछे सब कुछ, कोई एक भी स्क्रैच नोटिस नहीं की मैंने यहाँ पर। और ये ऑन हो गया है फ़ोन तो ठीक है।
चलिए, पीछे की तरफ इसमें ड्रोन कैमरा सेटअप है, फिंगरप्रिंट है, और ये स्नैपड्रैगन 636 के साथ आता है, चार्जर एमएच बैटरी है। आगे की तरफ डुअल कैमरा और पीछे की तरफ दोनों तरफ डुअल कैमरा सेटअप है। कैमरे काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है यहाँ पर। तो मैं इसको जल्दी से अब सेटअप वेटअप कर लेते हैं इसका, ओवन होता है। तो यार जल्दी से सेटअप इसका कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, काफ़ी लंबा सेटअप है यार यहाँ पर इसका। तो चलिए सेटअप हो गया है और फ़ोन हमारा ऑन हो गया है पूरी तरह से। तो फ़ोन ठीक ठाक क्वालिटी लग रही है, टच वगैरह ठीक से काम कर रही है, कैमरा वैमरा सब वर्किंग है यहाँ पर। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसकी, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मैंने इसे 2-3 दिन यूज़ कर लिया है, तो ये ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।